हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हम्बल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आ गया हूं मैं आपके सामने एक नई ट्रैक लेके जिसका नाम है सागर लेक ट्रैक। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी ट्रैक्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके उनको देखिए और अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको। तो इस ट्रैक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने ट्रैक की जर्नी। इस बार हमारे ट्रैक में हमारे साथ इस बार कई साथी चलने वाले हैं। सबसे पहले सोमेंद्र, नमस्ते नमस्कार, दिन है शुक्रवार, खट्टी मीठी बातों का सार, हम आ चुके हैं नारगढ़। अरे क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। दूसरे हमारे बड़े भैया, आई एम बैक। ये पुराने हमारे ट्रैक पे भी हमारे साथ चले थे, मेरे बड़े भैया हैं ये। चलिए ये तीसरे, ये भी जा। लेट्स एक्सप्लोर द न्यू पार्ट ऑफ जयपुर। हाय, दिस इज एक्सपी, फॉलो वर्क हार्ड। काफी कूल लग रहे हैं ये। मजा आएगा इनके साथ ट्रैक पे। तो गाइस सब रेडी हैं? यस, सारे काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रैक की जर्नी को। श्री राम। हाय गाइस, तो अगर आप पहली बार ट्रैक करके आ रहे हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे रास्ते की है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रैक सागर लेक से, तो बस 50 मीटर चलने के बाद ही आपको बहुत बड़ा पत्थर दिखेगा। आपको ये आप देख पा रहे हैं जय श्री राम का, तो बस आप इस पत्थर को फॉलो करें और इसी के सहारे आप देख पा रहे हैं एक रास्ता आपको दिख जाएगा, बस आपको यही पकड़ के आगे चलना है। हेलो गाइस, तो ट्रैक में बड़ा मजा आ रहा है हमें। गाइस मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? Awesome! देख रहे हो काफी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं सारे। ट्रैक हमने सोचा था सुबह जल्दी शुरू करेंगे मगर थोड़ा सा टाइम ऑफ हो गया। एक्चुअली कल रात को जन्माष्टमी थी तो उस चक्कर में सब लेट हुए और आज टाइम से नहीं उठ पाए। आज जितना एक्सपेक्टेड था कि लोग आएंगे, अभी हमें ट्रायल पे तो ज्यादा लोग मिले नहीं। आई होप हमें आगे अपनी जर्नी में मिले, तो बने रहिए, देखते हैं कौन मिलता है हमें आगे। तो गाइज काफी लंबी ट्रैक है और अभी हमने सिर्फ 1/4 पोर्शन ही कवर किया है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, एक्चुअली ये थोड़ा ही इंक्लाइंड है तो आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक करके आ सकते हैं। और ट्रेल में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ था जस्ट बिकॉज वहाँ कोई मार्किंग नहीं थी, तो मैं इस मार्किंग को हाईलाइट कर दूँ आपके ट्रैक के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकी ट्रैक बहुत बढ़िया है। एक्चुअली ये सारा मजा मानसून का है यार, आप मेरे अगर आसपास देख रहे हैं ना पूरी ग्रीन ग्रीन हो रखा है। अगर यही आप सर्दियों में आएंगे ना तो आपको इतना अच्छा फील नहीं मिलेगा, तो कोशिश करें अपने ट्रैक को मानसून में आने की, और मानसून में अगर ट्रैक करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए अपने ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं। मजा आ रहा है मुझे ट्रैक में बहुत, और मेरे फेलो ट्रैकर्स को भी जो मेरे साथ हैं। कैसा लग रहा है भाई लोगों? Awesome! देख रहे हो एनर्जी इन लोगों। तो गाइज यही है अभी ट्रैक में हम लोग, आई थिंक हाफ हमने कर ली है, अभी हाफ बची है। सीने से आपको अंदाजा लग रहा है कि कितनी एडवेंचरस ट्रैक है ये, तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें और ऐसी वाइब मैं आपको बीच में पूरे ट्रैक पे देता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। गाइज आई थिंक हमारी ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो ये अगर आपको पर्वतेश्वर महादेव जी का मंदिर है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो गाइज ये आपको एक रेड कलर का गेट दिख रहा है। अगर आप ट्रैक करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप रास्ते में भटके ना, तो ये छोटे छोटे जो आप मार्क्स देख रहे हैं ना ये सहारा होते हैं किसी भी ट्रैक के, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। तो ये रेड मंदिर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो
गाइज हमने आपको बताया था कि वो लाल गेट के अंदर क्या है, तो ये लाल गेट के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जिसका नाम है चौड़े के हनुमान जी। और आपको अगर एक व्यू पॉइंट देखना है तो यहाँ से ही मंदिर आना पड़ेगा, और मंदिर के पास में एक दीवार है उस पर आपको थोड़ा सा क्लाइंब करके उस व्यू का नजारा लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसा है, और ये आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं जो मंदिर है, तो आइए शुरू करते हैं अपने आगे की जर्नी को। तो गाइज हम आ गए हैं अपने ट्रैक की लास्ट पड़ाव पे, और मैं आपको एक इस पूरी ट्रैक की बेस्ट पार्ट दिखाने के लिए जितना मैं वेट कर रहा हूँ उतना ही शायद आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस ट्रैक के बेस्ट मोमेंट पे। लुक एट द फील मैन, और ये देखिए आप जो नज़ारे हैं यहाँ पे। गाइज इतनी लंबी ट्रैक करने के बाद ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की हमने ट्रैक अभी कवर करी है, और हमने अपनी ट्रैक शुरू करी थी 6:30 बजे और अभी 7:30 बजे के आसपास हो गया है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा में लगा है ऊपर चढ़ने में, तो सेम टाइम ही हमें उतरने में भी लगेगा। तो यहाँ का जो नज़ारा है, ट्रस्ट मी यार, इतना खूबसूरत नज़ारा है। आसपास अगर आप देखेंगे इतनी शांति है, एकदम शहर से बिल्कुल दूर अगर आप नेचर में आए हैं तो आपको ये फीलिंग है ना बहुत ही रेयर मिलती है। इतनी लंबी आप ट्रैक करके अगर आते हैं ना तो ये आपका रिवॉर्ड है कि आप इतना पीसफुल एनवायरनमेंट फील कर पाते हैं। तो जरूर आए इस ट्रैक पे और इस माहौल का मजा लें। हाँ तो गाइज पूरी जो वाइब है बहुत ही प्यारी है और बहुत मज़ा आया मुझे। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो जगह आने के लिए आपको सिटी सेंटर से ये ऑलमोस्ट आपको 20 किलोमीटर पड़ेगी, और इसको आने के लिए बेस्ट तरीका है आप आमेर फोर्ट तक आइए और 100 मीटर के बाद अपना लेफ्ट ले लीजिए, आपको सीधा का सीधा आप सागर लेक तक आएंगे, और उसके बाद आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं कि ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होती है और वो आपको बता देंगे। ये जो पूरी ट्रैक है ये ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, और इसको आने में हमें 1 घंटा लगा था और 1 घंटा आई थिंक उतरने का। तो टोटल आप अगर एवरेज आपकी स्पीड रहेगी तो आप 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप आराम से ये ट्रैक कवर कर सकते हैं। और इस ट्रैक पे एक चीज का और ध्यान रखें कि अपने थोड़े शूज कंफर्टेबल रखें, बिकॉज यहाँ पे लंबी लंबी झाड़ियां हैं, तो आप शॉर्ट्स भी ना पहन के आए बेटर रहेगा। आप फुल पैंट में रहें तो आपको इशू नहीं होगा, और पर आए तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बैठ के आप जो पिकनिक टाइप का अपना एंजॉय कर सकते हैं। और ध्यान रहे कोई भी प्लास्टिक कोई भी कचरा आसपास ना फैलाएं, बिकॉज ये नेचर है और इसी नेचर में आने का तभी मन करता है जब हम अपने नेचर को थोड़ा क्लीन रखते हैं। तो दैट्स ऑल, बने रहिए हम्बल वर्ल्ड के साथ।